तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी छोटे बच्चे को शुगर क्यों नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि अगर छोटा बच्चा शुगर ज्यादा खाता है तो उसकी हेल्थ पे क्या क्या बुरा असर पड़ता है। तो आइए देखते हैं हमारी इस वीडियो को। हर पेरेंट अपने बेबी को एक हेल्दी डाइट खिलाना चाहता है जिसमें विटामिन और मिनरल्स अच्छी मात्रा में भरे हो, लेकिन नमक और शक्कर दो ऐसी चीजें हैं जो बेबी के पहले जन्मदिन तक उसको नहीं खिलानी चाहिए। हालांकि ऐसे फल जिनमें प्राकृतिक रूप से मिठास होती है वो आप बच्चे को खिला सकती हैं। अगर बेबी को शुरुआत से ही शक्कर वाली चीजें खिलाना शुरू कर देंगी तो उसे साग सब्जियाँ, फल या खाली दूध कभी पसंद नहीं आएगा। निराशा की बात तो यह है कि बेबी के फॉर्मूला मिल्क में भी ढेर सारी शक्कर मौजूद होती है। यदि बच्चे को बचपन से ही भारी मात्रा में शक्कर खिलाई गई, तो उसे बचपन का मोटापा और भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी अन्य चीजों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पेरेंट्स को ये आदत खुद में डालनी चाहिए कि वह जब भी बच्चे के लिए कोई भी खाने की चीजें खरीदें तो उसमें लगा हुआ फूड लेबल जरूर पढ़ लें। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों नुकसानदायक है शक्कर। टिप नंबर 1, सफेद शक्कर कुछ और नहीं बल्कि रिफाइंड शुगर होती है जिसमें घातक केमिकल मिले होते हैं जो बच्चों के लिए नुकसानदायक है। टिप नंबर 2, सफेद शक्कर का ज्यादा सेवन करने से बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर पड़ने लगती है जिससे बच्चों को संक्रमण और अन्य बीमारियां घेरने लगती हैं। टिप नंबर 3, स्टडी में साफ बताया गया है कि जो माता पिता बच्चों को मीठा खिलाने की आदत डालते हैं उन बच्चों को आगे चलकर हार्ट की बीमारी का रिस्क रहता है। टिप नंबर 4, खाने में शक्कर मिलाकर बच्चे को खिलाने से बच्चों के दांत शुरू से ही सड़ने लगते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने बच्चे के शुगर लेवल को कम कर सकते हैं। टिप नंबर 1, खाने के फूड लेवल को जरूर पढ़ें। टिप नंबर 2, डिब्बा बंद खाना ना खरीदें क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा शुगर होती है। टिप नंबर 3, शक्कर मिला जूस या अन्य पेय पदार्थ बच्चों को ना पिलाएं। टिप नंबर 4, बिस्कुट और कुकीज बच्चों को ना खिलाएं। टिप नंबर 5, बच्चों को पीने के लिए सादा दूध दें। टिप नंबर 6, खीर, मिल्क शेक या दही आदि में फलों का गूदा मिलाएं, इससे मिठास आएगी। टिप नंबर 7, जैम, जेली, टॉफी, सॉस, सिरप या सॉफ्ट ड्रिंक बच्चों को ना पिलाएं। तो ये सब थी कुछ टिप्स जो आपको अपने छोटे नवजात शिशु के बारे में ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन डेली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्यूटीफुल विद मी।